ये तो नॉर्मल ट्रैक था, असली ट्रैक तो आपको वो पीछे दिख रहा है वो चोटी, वो है जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट जहाँ पे अभी हमें जाना है। पर आप देख ही सकते हो आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, आज बहुत लोग आए हैं, सैटरडे है इसीलिए घूमने फिरने, तो हम भी ऐसी जगहों पे रुकना चाहते हैं जहाँ पे कम भीड़ हो और हम लोग को अलग से थोड़ा सुकून वाला टाइम मिले। सो आइडली कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट पहुँचने का ऐसा हमारा है? हाँ, बस ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं, मसूरी है पूरा जंगल वाला एरिया, पहाड़ वाला एरिया, तो हर जगह से व्यू, हर जगह से व्यू आता है, अच्छा व्यू आता है, जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे रुक रहे हैं और फिर आपसे अपने शॉट्स शेयर कर रहे हैं। सो हम लोगों ने आज का डेस्टिनेशन चुन लिया है जो कि जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट है हाथी पाँव के पास। तो अगर आप मसूरी की तरफ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न आता है 4 किलोमीटर पहले मसूरी से, जो कि आपको हाथी पाँव का रास्ता दिखाई देगा, उसी तरफ ये जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट पहुँचता है। अभी एक पॉइंट से हाथी पाँव से नीचे उतरना पड़ता है, यहाँ से ट्रैकिंग है थोड़ी, आई गेस 1 या 1.5 किलोमीटर की गाड़ी है। पहले पार्क करनी है, गाड़ी ऊपर ही पार्क कर दो अगर हो सके तो, क्योंकि नीचे से ढलान है, गड्ढे हैं एंड चढ़ाई में गाड़ी फंस जा रही है इधर पे। हाँ। और निकलना बहुत मुश्किल है। सो इफ यू आर कमिंग यू कैन पार्क योर व्हीकल ऑन टॉप एंड देन वहाँ से आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैक रहेगा आपका। और यहाँ से थोड़े से व्यू पॉइंट ही है तो सीन्स दिखते हैं। हाँ, और पीछे बहुत जबरदस्त ग्रीनरी है जंगल के बीच में, यहाँ से जंगल के बीच में से एक छोटी सी नदी गुजर रही है उसी के, यहाँ भी गाड़ी लेके आ जा रहे हैं। आप ट्रेल देखो, इस ट्रेल में गाड़ी लेके आ रहे हैं कि नहीं मालूम है। तो चलो चलते, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं एंड बहुत ही अच्छा ट्रैक अभी तक तो एहसास हो रहा है, क्योंकि जैसे हमने नैनीताल में किया था ना टिफिन टॉप का, वैसा ही कुछ लग रहा है, अच्छा क्योंकि वैसे ही ट्रेल बन रखी है, जंगलों के बीच में से जा रहा है रास्ता, तो आई थिंक थोड़ी छोटी होगी ट्रैक। हाँ, और यहाँ पे ठंडी भी लगती है क्योंकि धूप यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है पेड़ों के वजह से, बट बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे कैंपिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक नदी है छोटी सी जो बह रही है, साइड में पूरा ग्राउंड एरिया है, फ्लैट एरिया है, तो टेंट्स लगाने के लिए अच्छा है, बहुत सुंदर है भाई। हाँ, अभी तो नदी सूखी हुई है बट आई थिंक इट्स इन द सेंटर, फुट हिल्स के सेंटर पे, ऊपर टॉप पे, तो ज्यादा मजा, सो प्योर, बहुत ठंडा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है फेस को, वो ठंडी ठंडी हवा टच हो रही है ना। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं अपने ट्रेल की तरफ, आगे बढ़ते हैं, चढ़ाई आ रही है, और मिलते रहते हैं आप लोगों से। सो
आधी ट्रैक हो गई है बट उतनी थकान नहीं हो रही जितनी बाकी ट्रैक्स में थी। आई थिंक वो ट्रैक्स कर कर के आदत हो चुकी है। ये चढ़ाई है बट उतनी स्टीप चढ़ाइयाँ नहीं है, इधर पे आराम से कवर हो जा रहा है डिस्टेंस, आधे से आधा कवर हो चुका है। आई थिंक हम ऑलमोस्ट पहुंच गए और अभी तक एक बार भी नहीं रुके। दैट इज़ अ गुड थिंग। अच्छा लगता है जब आपकी बॉडी अच्छी काम कर रही होती है एंड फील होता है कि आप लोग हेल्दी हो। बस ट्रेल से गुजरते हुए जाके पॉइंट पे मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज हम लोग अभी एक एवरेस्ट बेस कैंप करके जगह है ये। आई गेस नीचे कैंपिंग और थोड़े से एक्टिविटीज़ होती होंगी। यहाँ पे थोड़ा पार्क टाइप बना हुआ है, वॉकिंग कर सकते हो आप अंदर। एंड कैफ़े अच्छा खासा सुंदर सा कैफ़े बना रखा है यहाँ पे, बहुत पीसफुल सा कैफे है। एंड हल्का सा म्यूज़िक चलाते हैं एंड एकदम पेड़ों के बीच में है तो कोई ज़्यादा धूप भी नहीं आ रही और आराम से आपको अच्छी ठंडी हवा का है इधर पूरा हैंग आउट करने के लिए। गुड बेस्ट प्लेस। हाँ इवनिंग में भी आई गेस लाइट्स वगैरह लगी हुई है तो आई थिंक वापस आते समय यहाँ थोड़ा रुकते हुए चले जाएंगे। और ये हमारा टेंट गिरा आपके सामने ही एपिसोड हुआ तो हवा इसका मतलब चल रही है, बहुत तेज चल रही है। अभी इसको सीधा कर देता हूँ। इट्स ओके भैया। तो अभी हमने यहाँ पे कॉफी ऑर्डर की है, थोड़ी सी कॉफी पीते हैं फिर ऊपर चलते हैं। अच्छा वो सर नहीं पीता हमारा। आई थिंक ऊपर जाके हमें सनसेट अच्छा दिख जाएगा। भैया यहाँ सनसेट दिखेगा उस पॉइंट से, एवरेस्ट पॉइंट से? हाँ तो सनसेट देखेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा इवनिंग भी अच्छी गुजर जाएगी। एंड यहीं से वापस जाते समय हॉट चॉकलेट नहीं तो कॉफी पीते हुए जाएंगे क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा दूर है। आई गेस ये ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। नाम क्या हमने देखा है? एवरेस्ट बेस कैंप बोल रहे हो भैया, तो उसका मतलब क्या, मतलब यहाँ पे कैंपिंग होती है यहाँ पे नीचे? अच्छा फिर अच्छा तो स्टे है यहाँ पे एंड तो बस यहाँ पे कॉफी पीते हैं फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो एक्चुअली ये तो नॉर्मल ट्रैक था, असली ट्रैक तो आपको वो पीछे दिख रहा है वो छोटी, वो है जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट जहाँ पे अभी हमें जाना है। बट उसी के बाजू में एक और पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा बट यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा फॉग आ रहा है ऊपर की तरफ, ये बह रहा है यहाँ पे, दिखेगा आपको वीडियो कितनी क्लियर आ रही होगी। दिख रहा है फॉग ऊपर की तरफ, हम दिख रहे हैं हवा में ऐसे उड़ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो नीचे तो कुछ व्यू ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज फॉग बहुत ज्यादा है, बट ऐसे बादल उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर वापस निकलेंगे। जो जगह दिख रही है आपको वहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ का जो आई गेस टेक केयर करते हैं, वहाँ पे छोटा सा टेंट्स वगैरह भी लगे हैं तो स्टेज वगैरह भी है। और जहाँ पे हम लोग एवरेस्ट पॉइंट पे भी, मतलब एवरेस्ट बेस कैंप पे रुके थे वहाँ पे भी स्टेज है। तो अगर आपको टेंट पे स्टे करना है वो भी पहाड़ों के बीच में इतना क्लोज व्यू पॉइंट से जहाँ से आप सनराइज भी और सनसेट भी देख सकते हो जब वेदर क्लियर हो, तो यहाँ पे स्टेज ले सकते हो, देख सकते हो, इधर आके रुक सकते हो एक टाइम के लिए। द प्लेस इज एक्चुअली क्वाइट पीसफुल। और नीचे देखो यार ये तो मतलब जो बादल उड़ते हुए आ रहे हैं ना हमारी तरफ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलो
जान निकल चुकी है किसी की, बट अभी मैं उसको थोड़ी और चढ़ाई चढ़ाने वाला हूँ, वो ऊपर की तरफ है। तो अभी बस हम लोग यहाँ थोड़ी देर फोटोज वगैरह मैम को क्लिक करानी है, वो इम्पोर्टेंट है, तो फिर निकलते हैं हम लोग।